दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल राज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोल्टास के CZT मॉडल की एसी की प्री सर्विस के बारे में। दोस्तों प्री सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो कि कस्टमर खुद अपने घर पे ही कर सकता है टेक्नीशियन को ना बुला करके। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है एसी के इंडोर के फिल्टर हैं, इन फिल्टरों पे कचरा जमता है। तो एक बार दोबारा से हम इसको खोलना बताएंगे आपको। ये राइट हैंड पे एक निशान है और लेफ्ट हैंड पे ऐसा ही एक निशान है। इसको ऊपर करने से ये आसानी से खुल जाता है और इसके फिल्टर निकल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने एक फिल्टर इसका निकाल लिया है। इस फिल्टर में बहुत सारी डस्ट है और दूसरा फिल्टर भी हमने निकाल लिया है। इसमें भी देखिए ये भी बुरी तरह चौक है और इसके चौक होने के कारण इसके ऑपरेटर पे भी गंदगी हो गई है जिसको हम साफ करेंगे। फिल्टरों को तो हम बाथरूम में साफ कर लेते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले एक प्रेशर पंप वाली सर्विस की वीडियो बनाई थी जिसमें फिल्टर ज़्यादा ही जो अपना इंडोर है ज़्यादा ही चौक हो गया था और उसको प्रेशर पंप की सहायता से साफ किया था। उसमें हम टेक्नीशियन बुला सकते हैं लेकिन इसमें इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टेक्नीशियन बुलाने की, इसको तो हम घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपके समझने में कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। दोस्तों ये देखिए हम ब्रश के सहायता से इसके बो ऑपरेटर को साफ कर रहे हैं। दोस्तों ये बो ऑपरेटर पे अपन को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि हाथ लगाने से इसके जो एल्युमिनियम की पंखुड़ियाँ हैं वो दुख जाती हैं, जिसकी वजह से रेटर एयर नहीं ले पाता है, अपना हीटिंग कूलिंग कोयल एयर नहीं ले पाती है। तो ब्रश की सहायता से और थोड़ा सा पानी की सहायता से हम इसको साफ करेंगे, इसकी डस्ट को हटाएंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी डस्ट है इसके अंदर और इसमें हम कोई सारा भी नरम ब्रश जो अपना पेंटिंग का आता है वो काम में ले सकते हैं या अपनी टूथ ब्रश जो आती है उसको भी हम इसके अंदर काम में ले सकते हैं। कचरा जो है अपने ड्रेन पाइप में होकर के निकल जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं और वीडियो पूरा देखें जिसके जैसे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। इसको ब्रश से साफ करने के बाद हम नीचे के ब्लोवर को भी ब्रश से साफ करते हैं और ब्लोवर को साफ करने के बाद में हम सूखे कपड़े से इसके बो ऑपरेटर को साफ करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। देखिए ये ब्लोवर की सफाई हो रही है, नीचे की जो एयर फेंकता है अब हम इसको कपड़े से साफ करेंगे जिससे कि जो अपने पानी डाला है वो अच्छी तरह से हट जाए। और उसके बाद में बो ऑपरेटर साफ करने के बाद में हम इसके जो प्लास्टिक ग्रिल होती है इसका कवर उसको भी हम कपड़े की सहायता से साफ करेंगे, गीले कपड़े की सहायता से, जिससे कि जो मिट्टी ऊपर जमी हुई है वो भी हट जाए और
अपना जो इंडोर है वो अच्छे तरह से चमक जाए। इसी प्रकार ब्रश से हम आउटडोर का हीटिंग कंडेंसर जो होता है रेटर, उसको भी हम साफ करेंगे। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको अपने एसी की प्री मेंटेनेंस सर्विस में खर्चा ना करना पड़े। और दोस्तों हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आपके जो मिलने वाले हैं उनकी मदद उनको मदद हो सके और अपने पैसे बचा सके। दोस्तों एक टेक्नीशियन को अगर ये छोटा सा काम करने के लिए बुलाए तो इसी काम का वो 500 रुपये ले लेता है, जो कि आज आप खुद ही इस काम को करना सीख जाएंगे वीडियो के जरिए। कपड़े से अच्छी तरह साफ करने के बाद हम इसमें वापस इसके फिल्टरों को, जो कि हम बाथरूम में धोकर लाए हैं, उन फिल्टरों को वापस से सेट करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे सेट होते हैं फिल्टर, एक बार हम बताएंगे थोड़ा सा साफ करने के बाद में। यहाँ पे अपन को कपड़ा जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ही फेरना है। जो वो ऑपरेटर होता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं फेरना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में फेर दिया तो अपना वो ऑपरेटर की पंखुड़ियाँ दुख जाएंगी और वो ऑपरेटर चौक हो जाएगा, इससे कि वो ओवर एयर नहीं फेंक पाएगा, कूलिंग भी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का हमको। देखिए इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर साफ करना है, ऐसे साफ नहीं करना है। इस प्रकार से हम बाहर से साफ कर सकते हैं। कपड़े से साफ करते वक्त थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि अपनी उंगली इस पर ना लग पाए, नहीं तो उंगली कटने का डर रहता है, क्योंकि पंखुड़ियाँ इतनी नुकीली होती है कि वो उंगली खाल को काट सकती है। इसलिए हम कपड़ा ही इस्तेमाल करना है। और अब हम इसके फिल्टर को सेट करेंगे, जो कि अच्छी तरह से हमने साफ कर लिए हैं। देखिए दोस्तों पहले कितनी गंदगी थी इन फिल्टरों पे, अब कितने साफ हैं। साफ फिल्टरों को हम इसमें वापस लगाएंगे। ये हमने राइट हैंड वाला फिल्टर लगाया है पहले। चलिए दोस्तों इसको उसके जो फिल्टरों की जगह होती है उसमें से धीरे धीरे घुसा करके सेट करना है दोनों। और सेट करने के बाद उनको जो फिल्टर कवर्ड है इसका प्लास्टिक का, वो वापस लगा देना है। और ये हमने लगा दिया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।